आज बात करें तो आज हमारे पास टॉप 60 क्वेश्चंस इस कंप्यूटर को लेकर, और एग्जाम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल सुपरवाइजर के लिए, ठीक है ना, जो कि JKSSB अभी क्या करने जा रही है, अगले ही महीने मतलब जून के महीने में इसका एग्जाम लेने जा रही है। आज बात करें तो आज है मई 19, 2024। चलिए अब जल्दी से चलते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज इन टैबलेट कंप्यूटर। तो टैब जो होता है, ठीक है ना, उसमें जो कीबोर्ड यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, कौन सा होता है, वर्चुअल कीबोर्ड होता है, सिर्फ कीबोर्ड होता है, टैब कीबोर्ड होता है, या कोई भी नहीं, तो कौन सा होता है वो, जो टैबलेट कंप्यूटर में जो कीबोर्ड यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वर्चुअल कीबोर्ड होता है, ठीक है ना, ठीक है, वो हमें स्क्रीन पर ही दिखते हैं और स्क्रीन पर ही हम उसका क्या करते हैं, मतलब इसमें बाई टच ही हम क्या करते हैं उस पर काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे फ़ोन का हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, विच कंप्यूटर इज़ यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर या यूज़ होता है, एनालॉग है, डिजिटल है, सुपर कंप्यूटर या फिर कोई भी नहीं, तो कौन सा है वो होगा आपके पास सुपर कंप्यूटर। ओके चलिए नेक्स्ट है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो किसको कहते हैं, विंट सर्फ है, रे टॉमलिंसन है, टिम बर्नर्ली है, या फिर कोई भी नहीं, कौन सा है वो फादर ऑफ इंटरनेट, विंट सर्फ को कहते हैं। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ ईमेल। फादर ऑफ ईमेल कौन है, रे टॉमलिंसन है, ली है, शोएब अख्तर है, या फिर रिचे है, क्या है वो आपके पास, रे टॉमलिंसन। ओके चलिए नेक्स्ट है, हु मेड द फर्स्ट URL, किसने बनाया, ली, एडम ऑसबोर्न, बराक ओबामा, या फिर टिम बर्नर्ली। तो US इसमें URL की अगर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात करें तो इसको किसने बनाया, ये बनाया आपके पास टिम बर्नर्स ली ने। URL की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, विच ऑन विच डे इज़ द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। तो किस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, 2 दिसंबर, ये या फिर ये, तो कब किया जाता है, ये किया जाता है 2 दिसंबर को। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉग वॉज डिस्कवर्ड बाई जॉन बर्कर इन। ब्लॉग का कंसेप्ट जॉन बर्कर ने करा कब, 1999 में, इसमें, इसमें, या फिर इसमें, कब करा था ये करा था 1997 में। ओके नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स के बीच में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, रैम, DVD, ROM, या फिर फ्लैश ड्राइव। तो कौन सी चीज होती है, वो होती है आपके पास कौन सी, फ्लैश ड्राइव। ओके चलिए नेक्स्ट है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज इन पाम हेल्ड कंप्यूटर्स। तो कौन सी इनपुट डिवाइस पाम हेल्ड कंप्यूटर्स में यूज होती है, मार्कर है, स्टाइलस है, पेन है, या माउस है, तो कौन सी है वो, देखिए पाम हेल्ड कौन सा उस उनमें इसमें कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, वो होती है स्टाइलस। स्टाइलस क्या हो गया, पेन हो गया, वो जो उसमें डिजिटल या फिर इसमें जो बोर्ड के ऊपर, इसमें जो डिजिटल बोर्ड है उसके ऊपर लिखा जाता है, वो स्टाइलस ही होता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है, विच इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू कैप्चर इमेज फ्राम फिजिकल आइटम्स एंड कन्वर्ट दैम इन टू डिजिटल फॉर्मेट। तो कौन सी यहाँ पर इनपुट डिवाइस जिसको यूज़ किया जाता है फिजिकल आइटम्स से, क्या करना, इमेज को कैप्चर करना और फिर उसको क्या करना, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। फोन का कैमरा होता है, ट्रांसफार्मर होता है, स्कैनर होता है, या फिर USB होता है, क्या कहते हैं उसको, वो होता है आपके पास स्कैनर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट है, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो स्पीड ऑफ जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा की स्पीड है उसको किस में मेजर करते हैं, बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर मिनट, बाइट पर सेकंड, या फिर बाइट पर मिनट, तो किस में कहते हैं, बिट्स पर सेकंड में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड। तो क्या कहते हैं उसको, एरर को डिटेक्ट करना और फिर करेक्ट करना, उसको क्या कहते हैं, उसको बगिंग कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं, कॉटोना कहते हैं, डिगसिंग कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, डीबगिंग कहते हैं, ठीक है ना। जब कोई एरर आता है तो उसको बग कहते हैं, ठीक है ना, उसमें एरर आ जाए जो कंप्यूटर में या फिर एप्लीकेशंस में जो हम चलाते हैं, ठीक है ना, तो अपडेट करना पड़ता है फिर, ठीक है ना, तो बग वगैरह उसमें फिर जो इसमें जो डिबगिंग की जाती है, ठीक है ना, उसी फिर हमें भी क्या करना पड़ता है, उस एप्लीकेशन को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट है, विच एक्ट्स एज बफर बिटवीन रैम एंड CPU। तो इनमें कौन सा एक्ट कर रहा है ऐसे बफर बिटवीन रैम एंड CPU में, रैम है, रोम है, DVD या कैश मेमोरी है, तो कौन सी है वो होगा आपके पास कैश मेमोरी। बफर का मतलब क्या होगा, बफर ये होगा आपके पास कि एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या होता है कि डाटा को क्या कहते हैं, स्टोर किया जाता है, लेकिन कहाँ, कैसे, टेम्परेरी वहाँ पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है ना, जब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए, ठीक है ना, तो उस केस में वो जगह जो होती है बफर होती है, ठीक है ना, और वो काम करती है कौन, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करती है, मतलब टेम्परेरी जो डाटा होता है उसको करती है, स्टोर करती है जब वो इन इसमें डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। ओके इसका आंसर है डी पार्ट। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द ऑप्टिकल माउस फर्स्ट टाइम। तो किसने पहली बार इंट्रोड्यूस करा है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बहुत, या फिर कोई भी नहीं, किसने करा है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने करा है। ओके चलिए नेक्स्ट है,
विच पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट म्यूजिकल डिवाइसेज टू साउंड कार्ड्स, तो साउंड कार्ड्स को म्यूजिकल डिवाइसेज से कौन सा पोर्ट जो कनेक्ट कर रहा है, डी आई डिजिटल इंटरफेस पोर्ट है, एम आई डी आई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है, साउंड कार्ड रीडर या फिर नन ऑफ दिस, तो क्या है वो आपके पास एम आई डी आई मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसका क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका क्या है आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ सी आर एम इन द रेफरेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो सी आर एम की फुल फॉर्म आपने बतानी है किसके रेफरेंस में, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, कस्टमर रिलायबल मैनेजमेंट है, कस्टमर ओरिजिनल मैनेजमेंट है, या फिर नन ऑफ दिस, तो क्या होगा आपके पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, वट इज़ द राइट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा, डाटा की अपने हम क्या करें राइट असेंडिंग ऑर्डर दिखाना है, डाटा बेस पहले होता है, फिर फाइल, फिर रिकॉर्ड्स बाइट्स, या फिर ये फाइल रिकॉर्ड्स फील्ड्स, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, तो क्या होता है वो होता है आपके पास क्या होगा आंसर, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल एंड डाटाबेस। ओके डी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट्स द प्रोग्राम्स टू बी परफॉर्म्ड इन द सीपीयू, तो कौन सा है वो, कर्नल है, लिंक्डइन है, सॉफ्टवेयर है, या फिर नन ऑफ दिस है, तो कौन सा है वो, कौन सा पार्ट है वो है आपके पास कर्नल। ओके नेक्स्ट, वेयर इज बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर इन अ कंप्यूटर, तो वहाँ पर ये स्टोर होता है, रोम में होता है, रैम में होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क, तो बायोस मतलब बेसिक, ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, ठीक है ये भी याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो स्टोर होता है कंप्यूटर में कहाँ पर, ये होता है आपके पास कहाँ पर, रोम में। ओके रीड ओनली मेमोरी में। ओके चलिए नेक्स्ट है, विच अमंग द फ्लोइंग इज आर सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन है क्या, गूगल है क्या, एमएसएन है क्या, या फिर सारे हैं, क्या है वो होगा आपके पास याहू और गूगल, नहीं ये सारे हैं, क्या है ये सारे, ऑल ऑफ द अबव, ये क्या है सारे, क्या है ये सर्च इंजन है। ओके चलिए नेक्स्ट है, वट इज़ कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स किसको कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, वेबसाइट होम पेज इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं किसको, इंटरनेट को। नेक्स्ट है, वट इज अल्टाविस्टा, अल्टाविस्टा क्या है, वेब पेज, आईपी एड्रेस है, पोर्ट है, ये सर्च इंजन है, अल्टाविस्टा आपके पास क्या है, एक सर्च इंजन है। ओके चलिए नेक्स्ट है, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच आर ग्रुप टूगेदर एंड यूजली कनेक्टेड टूगेदर इन वेरियस वेज इज कॉल्ड, तो वेब पेजेस के, वेब पेजेस जो होते हैं सारे ग्रुप किए जाते हैं, ठीक है ना, और सारे इसमें जो कलेक्शन होते हैं वेब पेजेस के मतलब, ठीक है ना, और फिर आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं, होम पेज कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, या गूगल इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को क्या कहते हैं आपके पास, वो वेबसाइट होती है, ठीक है वेबसाइट बनती है। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन एंड द कंप्यूटर, तो कौन सी है वो, मोडियम है, डिमोडियम है, रिसीवर या कंपलर, कौन सी है वो, मोडियम है। ओके चलिए नेक्स्ट है, बिंग ए सर्च इंजन इज ऑन एंड ऑपरेटेड बाई, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत है, या कोई भी नहीं, कौन सा है वो, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है, ऑल द वेब पेजेस इन द वेबसाइट आर कनेक्टेड टू इच अदर बाई, देखिए वेब पेजेस जुड़ी आपके आपके साथ, आपके पास क्या बन गया, वेबसाइट बन गया, ठीक है ना, तो वेबसाइट में आपके पास सारे वेब पेजेस आएंगे, ठीक है, लेकिन वेब पेजेस आपस में जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए, वो HTML से जुड़े हुए, HTTP से जुड़े हुए, हाइपर लिंक से जुड़े हुए, आईपी एड्रेस से जुड़े हुए, तो HT जो इसमें वेब पेजेस जुड़े हुए वो किस लगे हुए, आप देखेंगे तो हाइपर लिंक, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्मेट वेब पेजेस आर सेव्ड, तो किस फॉर्मेट में वेब पेजेस जो हैं वो सेव्ड होते हैं, HTTP, हाइपरलिंक, HTML या फिर आईपी एड्रेस में, तो वेब पेजेस जो सेव्ड होते हैं किस में होते हैं, HTML में। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज लिंक्स इन कंप्यूटर, तो क्या है ये, एक वेब ब्राउजर है, नंबर बेस्ड वेब ब्राउजर है, कस्टमाइजेबल टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट इसमें टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, नन ऑफ दिस, तो लिंक्स की बात करें तो ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास कस्टमाइजेबल टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर। ओके सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच वन इज़ द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू प्रोवाइड वर्ल्ड सर्विस इन इंडिया, तो वर्ल्ड सर्विस किसने ये सबसे पहले प्रोवाइड करी थी, एयरटेल ने, वोडाफोन ने, BSNL ने, या फिर रिलायंस जियो ने, तो किसने करी थी ये, रिलायंस जियो ने, अगर LTE जो सर्विस थी वो करी थी किसने, एयरटेल ने, लेकिन वोल्टेज जो है वो किसने करी थी, रिलायंस जियो ने करी थी। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड बिटवीन टू कंप्यूटर्स इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको, थ्रूपुट कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं, थ्रूआउट कहते हैं, या फिर गेटवेज कहते हैं, तो अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कहते हैं थ्रूपुट। ओके ये हो गए आपके पास कौन से 30 क्वेश्चंस, लेकिन आपने देखा था कि यहाँ पर मैंने 60 क्वेश्चन दिए, हाँ 60 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन 30 इस वीडियो में और 30 आपको दूसरी वीडियो में देखें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो करते सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के जो बटन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुँचेगी। ओके चलिए, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।